और रिश्तों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है। हाँ, यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, अभी तुमने बड़े ज्ञानियों जैसे तर्क किए कि कर्म के लिए कोई प्रेरणा होनी चाहिए और प्रेरणा के लिए कोई भावना आवश्यक है। ये सारे तर्क मोहजनित है। रिश्ते नातों के मोह ने तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है, इसलिए तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए इस समय तुम्हें धर्म स्पष्ट दिखाई नहीं देता। धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? इस बात का निर्णय कौन करता है? हे मधुसूदन, वो कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं? हे अर्जुन, हर प्राणी अपने धर्म का विधान। मन को सन्यासी बनाओ और इस मोह के बंधनों को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, और उसी के अनुसार कर्म करो। हे केशव, एक तरफ तुम सन्यास की बात करते हो, सन्यासी की भांति सब नाते रिश्तों के बंधन को तोड़ने को कह रहे हो, और दूसरी ओर मुझे कर्म करने को कह रहे हो। ये दोनों बातें विरोधी हैं। तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी संबंध किसी रिश्ते के बगैर तो भावना पैदा नहीं हो सकती। अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो, संबंधों और रिश्तों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है, परंतु भावनाओं की यह नदी जल्दी सूख जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आग में पानी की बूंद तुरंत ही लुप्त हो जाती है। मरने वाले की चिता के ठंडे होने से पहले ही रिश्तेदारों की आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं।